Hello students, in this lecture we will study about homeomorphic graphs and next we will study about Kuratowski's theorem. Our first topic is homeomorphic graphs. G1 और G2 दो ग्राफ है हमारे पास. हम कहेंगे G1 जो ग्राफ है वो G2 के होमियोमॉर्फिक है या G2 जो है वो G1 के होमियोमॉर्फिक है. अगर G1 से G2 ऑब्टेंड हो या G2 से G1 ऑब्टेंड हो किस प्रोसेस के थ्रू, कोई वर्टेक्स हम कंसीडर कर लें जिसकी डिग्री 2 है, उस वर्टेक्स को हम इंसर्ट कर दें ग्राफ G1 में. कोई ग्राफ G1 था हमारे पास, हमने एक वर्टेक्स 1 या 2 या 3 जितने भी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है उन्हें इंसर्ट कर दिया G1 में, तो एक दूसरा ग्राफ मिलेगा. इंसर्ट करने के बाद उसे हम कहेंगे G2. तो G2 जो है वो क्योंकि G1 में वर्टिसेस को इंसर्ट करने से मिला है और जिनकी डिग्री कितनी थी 2 थी, इसलिए G2 जो कहलाएगा वो कहलाएगा होमियोमॉर्फिक टू G1. या फिर G1 में कोई वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 है, उस वर्टेक्स को हम किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ मर्ज कर दें. तो G1 से G2 ऑब्टेंड हो या G2 से G1 ऑब्टेंड हो इस प्रोसेस के थ्रू, हम कहेंगे G1 और G2 कैसे हैं, होमियोमॉर्फिक है. तो होमियोमॉर्फिक ग्राफ्स डिफाइन कर सकते हैं टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर सेट टू बी होमियोमॉर्फिक टू ईच अदर. टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर सेट टू बी होमियोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ one of the graph is obtained by other after inserting vertices of degree 2 or merging vertices of degree 2 to other vertices. हमने यही लिखा है G1 और G2 दो ग्राफ्स होमियोमॉर्फिक होंगे अगर G1 से G2 ऑब्टेंड हो, क्या करने पर, इंसर्ट करते हैं हम वर्टिसेस जिनकी डिग्री कितनी है 2, उससे G2 ऑब्टेंड हो तो G2 जो है वो G1 के होमियोमॉर्फिक होगा, या फिर ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है उस वर्टेक्स को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ मर्ज कर दें. ऐसे वर्टिसेस को मर्ज करना जिनकी डिग्री 2 है दूसरे वर्टिसेस के साथ. एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लेंगे ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें जो वर्टिसेस हैं अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं हमारे पास इस ग्राफ में. इन 5 वर्टिसेस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री कितनी है 2. इस वर्टेक्स को अगर हम इस वर्टेक्स के साथ मर्ज कर दें, इस वर्टेक्स को जब इस वर्टेक्स के साथ मर्ज कर देंगे तो ये इस फॉर्म में मिल जाएगा हमें ग्राफ. इस फॉर्म में हमें ग्राफ मिलेगा. हमने क्या करा है, डिग्री 2 के एक वर्टेक्स को मर्ज कर दिया है, ठीक है. यानी ये दोनों एजेस जो थी, क्योंकि ये एज इस पे इंसिडेंट हो रही थी और ये एज भी इस पे इंसिडेंट हो रही थी, ये दोनों एजेस जो हैं वो केवल एक ही एज फॉर्म कर देंगी, ठीक है. तो ये ग्राफ हमने मर्ज कर दिए है या फिर मर्ज किए हैं तो यहां पे जो एज, ये दोनों एजेस जो इस पे इंसिडेंट हो रही थी तो ये एजेस जो हैं मर्ज होके एक एज बन जाएगी, ऐसे ग्राफ में ऑब्टेंड हो जाएगा. ऐसे बना दीजिए, किसी भी टाइप से बना सकते हैं इसको. मतलब ये वर्टेक्स इसके साथ मर्ज किया है तो इस पे जो भी एजेस इंसिडेंट हैं वो इस पे इंसिडेंट होंगी अब. तो वो ये यहां से हमने इस पे मर्ज करा दिए ये ग्राफ. या फिर इस ग्राफ में हम क्या करें,
ये ग्राफ था हमारे पास, जो इनिशियली ग्राफ था ये वाला। इस ग्राफ में हम वर्टिसेस डिग्री टू के वर्टिसेस को इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए एक काम मर्जिंग ऑफ वर्टिसेस, वो तो इसमें हमने किया, ये जो वर्टेक्स है इसे यहाँ पे मर्ज करा दिया, तो इसपे जो एजेस इंसिडेंट है वो इसपे इंसिडेंट होंगी। अब तो एज ये एक एज बन गई है, जो पैरेलल एज बनी है इस केस में, ठीक है। तो मर्जिंग ऑफ ग्राफ से ये ग्राफ ऑब्टेंड हुआ है मर्जिंग ऑफ वर्टिसेस से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, इंसर्टिंग ऑफ वर्टिसेस, टू डिग्री के वर्टिसेस को कहां पे इंसर्ट करें। टू डिग्री का कोई वर्टेक्स हमने ले लिया और उसे मान लीजिए कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहां मैंने इंसर्ट कर दिया, यहां इंसर्ट कर दिया, तो टू डिग्री तो है इस वर्टेक्स की, एक नया वर्टेक्स में ले आया, या यहां पे मैंने एक वर्टेक्स इंसर्ट कर दिया, तो अगर मैं टू डिग्री के वर्टिसेस को इंसर्ट करूंगा तो एक नया ग्राफ बन गया, क्योंकि वर्टिसेस बढ़ गए, तो एक दूसरा ग्राफ बना। ये भी एक दूसरा ग्राफ है, इस ग्राफ से ऑब्टेन हुए दोनों G1, G2 और G3। G1, G2 और G3 ये तीनों क्या होंगे, होमियोमॉर्फिक होंगे, क्योंकि G1 से G2 मिलाया है और G1 से ही G3 मिलाया है। तो हम कहेंगे G1 इज होमियोमॉर्फिक टू G3, G1 इज होमियोमॉर्फिक टू G2, G2 इज होमियोमॉर्फिक टू G1 और G3 इज होमियोमॉर्फिक टू G1। तो दो ग्राफ्स होमियोमॉर्फिक होते हैं, या तो हम इंसर्ट कर दें वर्टिसेस डिग्री टू के उसमें, या फिर मर्ज कर दें वर्टिसेस डिग्री टू के किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ। नेक्स्ट, कुरटोव्स्की थ्योरम। Kuratowski's theorem states that a graph is planar if and only if it contains no subgraph which is होमियोमॉर्फिक टू विच इज होमियोमॉर्फिक टू आइदर ऑफ कुरटोव्स्कीज ग्राफ K5 और K3। देखिए क्रोटोस्की थ्योरम ये स्टेट करती है, क्रोटोस्की थ्योरम ये स्टेट करती है कि कोई भी ग्राफ प्लेनर तब होगा इफ एंड ओनली इफ। प्लेनर ग्राफ होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो क्रोटोस्की थ्योरम है। कोई भी ग्राफ प्लेनर तब होगा जब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, उसका कोई भी सब ग्राफ हमें ऐसा ना मिले जो होमियोमॉर्फिक हो किसके, या तो K5 के या K3 के। अगर हमें कोई ग्राफ है जो उसका कोई ऐसा सब ग्राफ मिल रहा है जो होमियोमॉर्फिक है K5 के या K3 के, तो वो ग्राफ प्लेनर नहीं होगा इस थ्योरम से, क्रोटोस्की थ्योरम से। और अगर ग्राफ प्लेनर है तो इट मींस हमें कोई भी ऐसा सब ग्राफ उसका नहीं मिलेगा जो होमियोमॉर्फिक हो किसके, K5 के या K3.3 के। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है। क्रोटोस्की थ्योरम से हम ये बताएंगे कि ग्राफ प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है, ये हमें ग्राफ गिवन है, हमें क्रोटोस्की थ्योरम को यूज करके शो ये करना है कि दिस ग्राफ इज नॉन प्लेनर। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, यूजिंग क्रोटोस्की थ्योरम show that the given graph is non-planar। क्रोटोव्स्की थ्योरम से non-planar show करना है तो हमें show ये करना होगा कि इसका कोई एक ऐसा सब ग्राफ होगा जो होमियोमॉर्फिक होगा, या तो वो K5 के या फिर K3.3 के।
होमियोमॉर्फिक होगा। तो इसके सब ग्राफ ऑब्टेन करेंगे पहले हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम जो एजेस हैं, मान लीजिए हमने जो V1 से V6 को ज्वाइन करने वाली एज है, इस एज को मैं रिमूव कर दूं, इस एज को मैं रिमूव कर रहा हूं, इसी तरीके से V2 को V5 से जो एज कनेक्ट कर रही है, इस एज को मैंने रिमूव कर दिया, तो जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो इस फॉर्म में ऑब्टेंड होगा, रिमूविंग द एजेस ज्वाइंड बाय V1 to V6 and V2 to V5, we have the following subgraph. अगर मैं इन एजेस को रिमूव कर दूं तो एजेस कम हो जाएंगी, तो जो ग्राफ मिलेगा वो सब ग्राफ होगा इस ग्राफ का, तो ग्राफ क्या मिलेगा वो उस केस में, V4 है, V2 है, यहां मेरे पास V3 है, V1 टू V6 रिमूव कर दिए, V6 यहां कहीं मिलेगा, V7 यहां है, V7 टू V2 ज्वाइन कर देंगे, V2 टू V5 रिमूव कर दिए, ये V1 है, ये V3 है, तो दो एजेस हमने रिमूव कर दिए, ये एज और एक ये एज, ये दो एजेस रिमूव करने के बाद ग्राफ हमें ये ग्राफ ऑब्टेंड होगा, ये सब ग्राफ है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का सब ग्राफ है। अब इस सब ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये वर्टेक्स V6 हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वर्टेक्स V6 जो है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इस 2 डिग्री के वर्टेक्स को हम V7 के साथ मर्ज कर देंगे, जब इसे इसके साथ मर्ज कर देंगे तो जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो होमियोमॉर्फिक होगा इस ग्राफ के, इस सब ग्राफ के होमियोमॉर्फिक होगा। तो मर्जिंग वर्टेक्स V6 विथ V7 वी ऑब्टेन द फॉलोइंग होमियोमॉर्फिक ग्राफ, हमें एक होमियोमॉर्फिक ग्राफ मिलेगा। होमियोमॉर्फिक ग्राफ कैसे मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, बस जो वर्टिसेस हैं उन्हें मर्ज कर दिया हमने इस केस में, ये था V2, ये V4, V3, V6 को V7 के साथ मर्ज किया, ये V7 है, V7 V2 से ज्वाइंड है, V5 V1, तो ये जो वर्टेक्स था अभी इसकी डिग्री 2 थी, इसे V7 के साथ मर्ज कर दिया, और जो एज थी वो एज जो थी V7 और V6 V6 V3 के बीच में थी, वो एज ये रिप्रेजेंट कर रही है V3 टू V7। अब ये ग्राफ जो है, ये जो ऑब्टेंड हुआ है, ये होमियोमॉर्फिक ग्राफ है किसके, इस ग्राफ के। अगर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहां से ये नोटिस करेंगे, V1 जो है, V1 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, V1 कितने वर्टिसेस के साथ एज फॉर्म कर रहा है, V3 V2 और V5 तीन वर्टिसेस के साथ, अगर V5 को देखेंगे तो V5 V1 के साथ, V7 के साथ, V4 के साथ, ये भी तीन वर्टिसेस के साथ, V7 देखेंगे तो V7 V2 के साथ, V3 के साथ, V5 के साथ, तीन वर्टिसेस के साथ, V3 देखेंगे तो V4 के साथ, V7 के साथ, V1 के साथ, V4 देखेंगे तो V3 के साथ, V2 के साथ, V5 के साथ, तो सारे वर्टिसेस जो हैं वो तीन वर्टिसेस के साथ एजेस फॉर्म कर रहे हैं। तो इस ग्राफ को हम दूसरे रिप्रेजेंटेशन से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए जो ऐसे वर्टिसेस जो एक दूसरे से ज्वाइंड है उन्हें अलग अलग मैं लिखूं, अलग अलग पैरेलल लाइंस में हम रिप्रेजेंट करें, V1 कोई वर्टेक्स ले लिया पहले हमने, एक वर्टेक्स V1 चूज कर लिया, V1 किससे एज फॉर्म कर रहा है, V2 के साथ, तो V2 जो है वो इधर नहीं होगा, V2 को हमने दूसरी साइड ले लिया। हम इसे K3 का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन K3 पॉसिबल है, अगर हम इसे K3 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये K3 है मतलब, और K3 है तो वो किसके होमियोमॉर्फिक है, इसके, और ये सब ग्राफ है किसका, इसका, तो इट मींस ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा।
तो V1 V2 से करेंगे, V1 किससे करेंगे V5 से, तो V5 भी इधर होगा और V1 किससे होगा V3 से, V3 भी इधर होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं V3 किससे होगा V4 से, V3 इधर है तो V4 इधर होगा, V3 V5 से, V5 अपोजिट डायरेक्शन में V3 के। V7 अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो V7 V2 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो V2 इधर है तो V7 इधर, V6 इसमें बचा नहीं है। ये 6 वर्टिसेस हैं, अगर हम बनाएंगे एजेस तो देखेंगे V1 V5 से, V1 को ज्वाइन कर दिया V5 से, V1 V3 से, V1 को V3 से ज्वाइन कर दिया, और V1 को V2 से, V1 को V2 से ज्वाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं V4 को, V4 जो है वो V5 से, V3 से, V2 से, V5 से, V2 से, V3 से, V4 इन तीनों से ही एजेस फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे V7 V2 से, V3 से, V5 से, V2 V5 V3 से, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये K33 का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये जो ग्राफ है हमारे पास यहाँ पे मिला है ये K33 का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये ग्राफ जो है वो K33 है। ये ग्राफ कैसा है? K33। ये ग्राफ K33 है, इट मींस इसका एक सब ग्राफ हमने लिया ग्राफ का, वो होमोमॉर्फिक है K33 के, इसके ये एक ही बात है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है बस। तो क्योंकि इसका एक ऐसा सब ग्राफ हमें मिल रहा है विच इज होमोमॉर्फिक टू K33, जो होमोमॉर्फिक है इसके K33 के, इट मींस द ग्राफ इज नॉन प्लेनर। तो लिख लेंगे सिंस द सिंस अ सब ग्राफ ऑफ गिवन ग्राफ सिंस अ सब ग्राफ ऑफ गिवन ग्राफ is homomorphic to K33, therefore the given graph is non-planar, therefore the given graph is non-planar। थैंक यू।